नमस्कार जी। जिदा कि तुसी जानते हैं, असी बहुत दिनों बाद मिले हैं। उसका रीज़न ये है कि जिदा रितु के जिहड़े फादर है ना, वो एक्सपायर्ड हो गया है। जो लास्ट टाइम असी वीडियो पाई सी उदन 27 मई, 27 मई सी सवेरे के टाइम असी वीडियो पाई सी। तो उस दिन इंडिया के टाइम के हिसाब ना 8:30 का टाइम सी जो सानू ये न्यूज़ मिली कि इन्हों के फादर जोड़े है एक्सपायर्ड हो गए हैं, जिदे करके एक शौक लगा। तो शौक के चक्कर फिर तो असी एट ए टाइम होर तो मैं कुछ नहीं कर सकिया, क्योंकि इनू भी संभालना सगा, क्योंकि माँ प्यो जो है माँ प्यो नहीं लभदे जी। ठीक है, इनू संभालना सगा। फिर मेरे को होर कुछ तो मैंने देखा नहीं उस टाइम 27 तरीक सवेर की वीडियो, तो वापस मैं कड़ नहीं सकता यूट्यूब से। फिर उस वेले मैं यूट्यूब दिनिया मेरिया 3-4 वीडियो बनिया सी चढ़निया से अगले दिनों में, उन्होंने मैं स्टॉप किया अपना यूट्यूब जरा बिल्कुल चैनल स्टॉप करता, क्योंकि इनू भी अपने पैरों पर आने वास्ते टाइम तो लगना सी। अज काफ़ी दिनों बाद जदों कि जिहड़ी भी अपनी साढ़े शास्त्रां दे हिसाब नाल, हर धर्म का अपने अपने शास्त्र होंगे ना, उन्होंने हिसाब नाल किरियाकर्म जो भी करते हैं, विधि विधान होंगे है, वो हो चुके पे है। तो उस तो बाद होंगे कि जिदा वो मतलब जिहड़े वो किरिया विधियां होंदियां है जिहड़े शास्त्रां हिसाब नाल, उस तो बाद फिर आपां नॉर्मल अपना जिहड़ा ना जिंदगी का काम रूटीन का कर सकते हैं। बस वही सोच लो कि कल परसों वो हो चुका पाया सारा कुछ। उस तो बाद बड़ी हिम्मत रख के फिर मुड़ के तेरे सामने आए हैं। यदा कारण ये है, इस करके अं इन्ने चिर बाद फिर मुड़ के रूबरू हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा तो जोड़े साढ़े जोड़े से ना सबसक्राइबर दोस्त मित्र काफ़ी जन तक मैंने सू पूछा भी है कि तेरे ब्लॉग नहीं आ रहे, वीडियो नहीं आ रहे, वह कारण की है। वह कारण उन्होंने तो असी दस दिता, पर कुछ साढ़े सबसक्राइब जिदा कि यूट्यूब फैमिली तो फैमिली हो ना तुसी, कि जिन्होंने हजे तक नहीं पता कि कारण से जिदे करके असी वीडियो स्टॉप कीतियां सारिया अपनियां, तो मैं बड़ा ये समझिया कि ये तुहाडे नाल भी रूबरू तां शेयर करना चाहिए मैनू कि इहदा रीज़न ये सी, जिहड़े मतलब जिन्होंने नहीं पता हजे तक जिहड़े अपने सबसक्राइब मेरी यूट्यूब फैमिली वाले बंदे हैगे है, तो यही कारण है, होर कोई कारण नहीं सी। तुहानू पता जदों कोई घर का एक मैंबर लोस्ट हो जाए ना, तो उसकी कमी कोई नहीं भर सकता, कोई नहीं भर सकता। तो इस करके थोड़ा जिहा इहनू भी मैं जो सारा क्रिया विधि होगी घर सब कुछ हो गया काफ़ी दिनों बाद, बड़े मैं बड़ी मुश्किल इहनू उत्थे सामने लिया। मैं कहा जिदा मर्जी है कि साडी यूट्यूब फैमिली भी तो हैगी है ना, सानू उन्होंने ये इनफॉर्मेशन ये जिहड़ी है गल शेयर करनी चाहिए है, क्योंकि फैमिली विच तां हर गल शेयर कीती जांदी है ना। तो यही रीज़न सी। गल ये सी कि उस दिन जिदन 27 मई में सवेरे असी वीडियो पाई बड़े खुश सी, तुसी शौक तो होंदा ही है। देखो 2 घंटे पहले असी मतलब डैडी जी ने गल की है वीडियो कॉल, और साढ़े ना गलबात कर रहे हैं, और 2 घंटे बाद सानू एकदम न्यूज़ आती है कि वो एक्सपायर्ड हो गया, इस दुनिया के विच नहीं रहे है। शौक तो शौक ही होंगे ना, ठीक नहीं। बड़ी हिम्मत रख के मैं इनू अपने नाल लिया, तो मेरा दिल किया कि असी जी जिदा हर कोई होंगे ना, किसी दी मैमोरीज होंदिया है, यादा होंदिया है, उन्होंने हमेशा असी याद रखिए अपने दिल के विच, और जिंदा रहन उन्हां दी मैमोरियां। उस मैमोरी नू जिंदा रखने वास्ते मैं एक जिदा कह रहे मोबाइल में काफ़ी फोटो सीगियां, जिदा इन्हां दी फैमिली नाल फादर नाल पिछले साल जिदा इंडिया गए सी ना, पिछले साल इंडिया गए सी असी उदों दीआं। फिर मैंने होर तो कुछ आया नहीं, मैं क्या क्यों देखो नॉर्मल मोबाइल के कोई वीडियो बनाओ कुछ है, कुछ टाइम बाद जिदा कहते कि मैमरी फुल हो गई है, वीडियो डिलीट कर देंगे, जो मोबाइल में कुछ हो जाता, अच्छा मोबाइल भी झट खराब हो जाते हैं। तो मैं क्या कि क्यों ना एक इस तरह की उन्होंने मैमरी वास्ते एक मैं छोटी जी वीडियो याद वास्ते तैयार करा, जी असी अपनी यूट्यूब फैमिली नाल भी शेयर करिए, तो यूट्यूब हमेशा घूमे, हमेशा घूमे मतलब कि वो साड़ियाँ नज़रों में हमेशा अमर रहन, उन्होंने यादा जीडिया हमेशा जिंदा रहन साढ़े दिलों के। ठीक है, जिदा की है यूट्यूब चो वीडियो घूमूगी जो तो आप देखा साड़ी फिर मैमरी उस हिसाब न शार्प हो जाती है। नहीं, बड़ी हिम्मत रख के मैं ये जी वीडियो जी तैयार की है, तो असं ये चाहते हैं कि जरा साढ़े 2-3 वीडियो पहले बनिया पाया जहाँ स्टॉप करना पाया वो वीडियो आप कंटिन्यू करा, पर उस तो पहला जी आह वीडियो जो सा फादर है
ਸਾਡੀ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ, 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਮਰੀਆਂ ਅਮਰ ਰਹਿਣ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨੋਰਮਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 2-3 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਟੋਪ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੋਹ ਮਮਤਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਚਲੇ, ਫਿਰ ਦੌੜੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣਾ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਦੱਸੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਮੈਮਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੂਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਨਾ ਨੋਰਮਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਰੂਟੀਨ ਸੀਗਾ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਫਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਾਪਾ, ਆਈ ਕੀਪ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਯੂ ਇਵਨ ਦੋ ਇਟ ਪੇਨਸ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਗਿਵ ਐਨੀਥਿੰਗ ਟੂ ਰਿਲੀਵ ਦੋਜ਼ ਮੈਮੋਰੀਜ਼ ਅਗੇਨ। ਆਈ ਨੋ ਯੂ ਆਰ ਅਪ ਦੇਅਰ blessing me and my music. This album is my gratitude for you, my strength, my inspiration. You're always in my mind, forever in my heart. Mere papa, papa, I miss you.